कार्यक्रम ऑन द विद्यालय हो चुका है कंप्लीट। So, hello, namaste, assalamualaikum, sat sri akal. This is YPK and absolutely without doing faldu bug bug. Happy Independence Day and happy Raksha Bandhan. So, welcome to my YouTube channel and without wasting any time, let's get started. आओ सुनाओ तुमको मैं एक भारतीय कहानी। एक था अनजान लड़का, उसे अपनी छत में लहराना था तिरंगा, परंतु जोरदार बारिश ने किया उसका सामना। फिर भी बंदे ने ना छोड़ा अपना मौका। जैसे ही बारिश हुआ अ लिटिल बिट कम, इस लड़के ने कर दिया अपना काम। फिर क्या, इंडियन झंडा ऑन द इंडियन छत वॉज लहराइंग ऑन द इंडियन स्टाइल। पढ़ाओ अब तक कहानी अभी तक नहीं हुआ है खत्म, क्योंकि बाकी है अभी भी बहुत सारा कार्यक्रम। फिलहाल तो इस गाय को अपने इस दिन के हसीन सफर की शुरुआत करना है फ्रॉम इस विद्यालय, जिसके लिए उसका बैग भी इंतजार कर रहा है। रास्ते से दोस्ती करते हुए ये निकल पड़ा अपने स्कूल के लिए, जहाँ पर इसके साथ मुलाकात हुआ इस व्लॉग की आन बान सान एड्रेट मिस्टर रजपूत। लिटरली यार, रजपूत और पठान की ये दोस्ती बहुत ही कमाल की है ना। हाँ, हमें भी पता है, और नन्हे मुन्ने बच्चे भी तो वेट कर रहे हैं ना तिरंगा के लिए। एंड कॉमेडी वॉज इन देयर वर्क। इसके बाद वाले फुटेजेस ढंग से ना ले पाने की वजह से आप लोगों से मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। तो कार्यक्रम ऑन द विद्यालय हो चुका है कंप्लीट, और अभी करना है सोशल मीडिया का कार्यक्रम रजपूत। फिर टाइम आता है गार्ड ऑफ ऑनर का, करने का नहीं देखने का। फिर भाई मोदी जी के स्पीच भी तो सुनना है ना। ये चुनाव तो हम लोग लड़ रहे थे। उसके बाद गाइज आप लोगों के साथ भी तो कुछ बातें करना है ना। नमस्ते। देखो, ज्यादातर स्पीचेस में इंडिपेंडेंस डे की या फिर रिपब्लिक डे में इंडिपेंडेंस की जो हमारी हिस्ट्री है उसके बारे में ही ज्ञान आप लोगों को दिया जाता है। एंड आई एम श्योर दैट आप लोगों के पास हिस्ट्री के बारे में, स्पेशली हमारे इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉलेज है। तो देखो गाइज, मैं आप लोगों को वही बातें घुरा फिरा के, वही हिस्ट्री बता के आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। सो इन दिस वीडियो व्हाट आई वांट टू से is all about nationality, jatiyatavad, desh prem, that all. So देखो, सबसे पहले जातीयतावाद क्या है भाई? देखो, यह सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक कर्तव्य वाला दायित्व है। अपनी जाति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना और जाति के उन्नति के मकसद से कुछ काम करने का इच्छा प्रकाश करना
और उसको ट्राई करना ही जातीयतावाद है, नेशनैलिटी मेरे नज़र में। और हम सभी का जाति है भारतीय, हम सभी भारतीय है, हमारा भाषा, संस्कृति, धर्म, वर्ण सब अलग हो सकता है, हमारा रोड्स अलग हो सकता है, प्रकृति अलग हो सकता है, संस्कृति अलग हो सकता है, सब कुछ अलग हो सकता है, बट जहाँ पर हम लोग सेम है वो है हमारी जाति। हम सब भारतीय है, हम हिंदुस्तानी है, तुम भी हिंदुस्तानी, मैं भी हिंदुस्तानी, हम सब हिंदुस्तानी, हम इंडियन है, इंडियन। दिस इज़ द बिगेस्ट, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल टर्म इन द वर्ल्ड, इंडियन। देखो भाई, मेरा बोलने का मतलब, मकसद बस इतना ही है, दैट साल में बस दो बार तिरंगा लहराने से और सुबह उठ के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्कूल में या फिर ऑफिस में जाके तिरंगा लहराने से, उसको सैल्यूट करने से, और बस एक बार जातीय संगीत गा देने से, और हाँ, क्रिकेट मैचेस में इंडियन टीम को सपोर्ट करके कोई देश प्रेमी नहीं बन जाता। देश प्रेम ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही महंगा चीज़ है, और ये महंगा चीज़ यहाँ से निकल के आता, यहाँ से अपनी जाति के प्रति उन्नति के बारे में सोचने से निकल के आता। बाय द वे, इस देश में हर एक इंसान आप लोगों को दावा करेगा दैट वो देश प्रेमी है, बट नहीं है गाइस, नहीं है, ऐसा नहीं है। इस देश में देश प्रेमियों का तादाद बहुत ही कम है, बहुत ही कम। लिटरली इस देश को और भी बहुत सारे देश प्रेमी चाहिए, तभी इस देश का कुछ हो सकता है। लिटरली हर एक दिन आप लोगों को सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ तो कांड देखने को मिलेगा ही, जहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है दैट इस देश में अभी भी देश प्रेमियों का बहुत ही ज़्यादा अभाव है, बहुत ही ज़्यादा अभाव है, छोटा मोटा नहीं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमसे, हाँ तुमसे, जो स्क्रीन के उस पार है। अभी भी तुम्हें अपने अंदर के देश प्रेम को बढ़ाना है, बचा के रखना है, इंक्रीज करना है, एंड दिस इज योर मिशन। और अगर तुम ये ना कर पाए तो लाइफ तुम्हारे लिए असफल है, हाँ असफल है। मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ, मैं इस व्लॉग को, अच्छे से व्लॉग को, एंटरटेनिंग व्लॉग को स्पॉइल नहीं करना चाहता, मैं बस आप लोगों को बस छोटा सा बात ये कहना चाहता हूँ दैट जो देश के प्रति अपनी ईमानदारी, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करे वो है देश प्रेमी। जो सरकार के साथ रहे वो देश प्रेमी, जो करप्शन को रोके वो है देश प्रेमी, जो ड्रग से लड़े वो देश प्रेमी, और जो औरतों को सम्मान करे वो है देश प्रेमी, जो अपने देश के सोल्जर्स को भगवान के पद में बिठाए वो है देश प्रेमी, और जो सरकार के खर्चा बचाए वो है देश प्रेमी, जो भारत को स्वच्छ रखे वो है देश प्रेमी, जो हिंसा का विरोधी लेकिन देश विरोधी के प्रति हिंसा रखे वो है देश प्रेमी, जो हिंसा नहीं प्यार बांटे वो है देश प्रेमी, और जो आतंकवाद नहीं समाजवाद फैलाए वो है देश प्रेमी। एंड आई कैन प्राउडली से दैट आई एम अ पैट्रियट, मैं हूँ एक देश प्रेमी, मैं अपने देश के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मैं उसके बारे में और भी लोगों को सोचने में मजबूर करता हूँ, क्योंकि मैं औरतों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं देश के प्रति बहुत सारा ईमानदारी अपना रखता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम देश प्रेमी, एंड आई प्रे टू अल्लाह दैट प्लीज़ इस देश में और भी बहुत सारे देश प्रेमी बने, पैदा हो, नहीं तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू, आप लोग व्लॉग एंजॉय कीजिए, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। फिर क्या, नथिंग स्पेशल, बट जैसे ही सनसेट का टाइम होता है इस बंदे को याद आ जाता है अपने कर्तव्यों का। सो फिलहाल इज द टाइम ऑफ सनसेट, सो चलिए अभी जल्दी से झंडा को तो उठा ले, उतार ले हमारे प्यारे यहाँ पर रहने वाले झंडे को। फिर भाई ये घर को पहना हुआ लड़का लग गया अपने इस तिरंगा को
तिरंगा वाले झंडे को, अपने देश का झंडे को उतारने के लिए और इसको फोल्ड करके वापस से एक साल में 26 जनवरी तक अपने बुक सेल्फ में अच्छे से ससम्मान के साथ रखने के लिए। गाइस ये कहानी है एक पागल लड़के की जिसका खुद का झंडा उतारने से भी कर्तव्य समाप्त ना हुआ। इसको याद आ गया अपने विद्यालय और दूसरे लोगों की, इसलिए तो साइकिल लेकर निकल पड़ा ये सब लोगों को याद दिलाने कि झंडा उतारना है। तभी इसको दिखा एक जगह पे झंडा। ओके दोस्तों, सो स्कूल जाने के रास्ते में ही पड़ता है पार्टी, अभी जहाँ का अभी भी झंडा लहरा रहा है, तो अभी इसको भी उतारना है। इसको समाप्त करके वो निकल पड़ा फिर से अपनी मंजिल की ओर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद्यालय का दरवाज़ा बंद था, तो वह चला गया प्रेसिडेंट का घर, गोविंद जी का घर नहीं, स्कूल का प्रेसिडेंट का घर। उन्होंने फ्लैग उतारने का वीडियो दिखाया तो जाके शांति आया कर्तव्य वाले बाबा जी को। हाँ ये कहानी है एक पागल लड़के की, ये कहानी है आपका YPK की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो आखिर तक। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, साइन आउट।